सेवाएं मतलब शुरू हो चुकी है सर? सेवाएं बिल्कुल चालू हैं जी, और 24 घंटे के लिए हम तैनात हैं। ठीक है, थैंक यू सर। वैकेंसी नंबर 100 नंबर से 112 हो गया है। जैसे कि आपको पता है, अब प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा इनका जो है उद्घाटन 2 दिन पहले किया गया था, गाड़ियाँ जो है दी गई है। तो आपको बता दूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं तोहाना में जो है 4 गाड़ियाँ यहाँ पर आ चुकी है, और 4 गाड़ियों का जो है यहाँ पर तोहाना 2 सदर में और 2 सिटी में। आइए तो जानकारी लेते हैं कि यहाँ पर जो 2 गाड़ियाँ हैं 2 सदर के लिए है और 2 सिटी के लिए है। तो सर बताएंगे, जैसे 112 नंबर मुख्यमंत्री जी ने कल वो किया था, तो तोहाना में कितनी इसकी जो कितने गाड़ियाँ मिली है? देखो, हर एक थाने में, जैसे हरियाणा के जितने भी थाने हैं, हर एक थाने में 2-2 गाड़ियाँ दी हैं। जैसे कि थाने शहर ये अपना एक थाना शहर टोहाना में, और एक थाना सदर टोहाना में, 2 थाने हो गए सिटी थाने। हाँ जी, हाँ जी। तो 2-2 गाड़ियाँ आई हैं थाने में, यानी कि 4 गाड़ियाँ होगी टोहाने में। तो सर 112 नंबर पर डायल करके कौन कौन लोग इमरजेंसी, कौन सी इमरजेंसी सेवाएं जो यहाँ से दी जाएगी? देखो, पुलिस के लायक जो भी सेवा होगी हम तो देने के लिए तैयार हैं। ठीक, तो सेवाएं मतलब शुरू हो चुकी है सर? सेवाएं बिल्कुल चालू हैं जी, और 24 घंटे के लिए हम तैनात हैं। ठीक है, थैंक यू सर। तो आप देख सकते हैं 112 नंबर, जैसे कि मुख्यमंत्री प्रदेश के मनोहर लाल खट्टर ने वो किया था, तो टोहाना में भी आ चुकी है। और लगातार जो है हम दिखा रहे हैं कि जो यहाँ पर तोहाना में भी 112 नंबर की जो गाड़ियाँ हैं वो शुरू हो चुकी है, और अब 100 नंबर पर कॉल करने की बजाय 112 नंबर पर कॉल करके इमरजेंसी सेवा ले जा सकती है। जैसे इसमें टाइम भी बाउंड किया गया है कि मात्र जो लिमिट टाइम दिया गया उस समय में ही जो है ये गाड़ी पहुंच जाएगी, और आपकी सुरक्षा के लिए। मेरे साथ जोनी चावला जी भी है। तो जोनी जी, क्या पूरी जानकारी है? जैसे 112 नंबर है तो क्या जो सुरेंद्र जी, मैं आपको बता दूं कि शॉर्टकट में इसमें सभी बातें आएंगी कि हरियाणा सरकार ने प्रदेश की जनता की सुरक्षा के लिए 112 नंबर जारी कर एक क्रांति ला दिया है। मैं आपको बता दूं कि अभी जो है फिलहाल पूरे प्रदेश के अंदर 630 गाड़ियां जो करोड़ों रुपए की लागत से जो है पूरे प्रदेश में भेजी गई हैं। इसके अंदर फरीदाबाद और गुड़गांव की बात करें तो इसके अंदर आपातकालीन सेवाओं यानी कि एम्बुलेंस और अग्निशमन यंत्र की सेवाएं भी अभी फरीदाबाद और गुड़गांव में शुरू की गई है। लेकिन अन्य जिलों की बात करें तो अभी उसमें जो है पुलिस सुरक्षा भी, आप किसी भी व्यक्ति को अगर जरूरत होती है 100 नंबर पर कॉल करता था, पुलिस पहुंचती थी या नहीं पहुंचती थी, लेकिन 112 नंबर पर कॉल करने के बाद पुलिस जो है 15 मिनट में शिकायतकर्ता के द्वार पर होगी। इसके अंदर मुख्य जो बिंदु है ये रहेंगे कि 15 मिनट में पुलिस को वहाँ पहुँचना होगा। पंचकुला में यहाँ से कॉल जाएगी, वहाँ से जो है जिस भी गाड़ी, जो भी गाड़ी लोकेशन के पास होगी वो गाड़ी वहाँ पहुँचेगी। उसके बाद सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि शिकायतकर्ता पुलिस की व्यवहार से, पुलिस की कार्यप्रणाली से संतुष्ट है या नहीं है, इसको लेकर जो है एक पंचकुला से शिकायतकर्ता के पास कॉल भी आएगा, क्या आप पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं, हाँ या नहीं। अगर शिकायतकर्ता नहीं कहता है कि वो संतुष्ट नहीं है, तो उसके लिए एक पुलिस कर्मचारियों की जवाबदेही भी होगी। इसके अंदर 5,000 कर्मचारी जो है, पुलिस कर्मचारियों को जो है प्रशिक्षित किया जाएगा, क्योंकि हाईटेक है पूरी गाड़ी। इसके अंदर कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया है ताकि जो है पूरी तरह से इस जो 112 नंबर है इसको जो है सुचारू रूप से चलाया जाएगा, जनता को जो है सुविधाओं का लाभ मिल सके। 5,000 कर्मचारियों के अलावा मैंने आपको बताया कि इसमें 112 नंबर जो है आप डायल भी कर सकते हैं। एक साइट भी बनाई गई है, साइट अगर जो कॉल नहीं करता तो साइट पर जाकर भी वो सूचना प्राप्त कर दे सकता है। और इसके अलावा एक ऐप भी बनाया गया है, ऐप पर भी जो है प्ले स्टोर में जाकर जो है विभाग का ऐप बनाया गया है, ऐप पर भी जो है सूचना दे सकता है व्यक्ति। इसके अलावा सरकार जो है जल्द जो है 112 नंबर का जो है व्हाट्सएप, कोई इस मामले में जो है व्हाट्सएप नंबर भी जारी करने वाली है। इससे जो है प्रदेश की जनता को, टोहाना वासियों में, टोहाना की बात करूँ तो टोहाना में 4 गाड़ियाँ आई हैं, व्यापारी वर्ग को और हर वर्ग को सुरक्षा तो मिलेगी, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो गुंडा तत्व है, जो क्राइम क्रिमिनल लोग हैं, उनमें काफ़ी जो है डर रहने वाला है, क्योंकि अब ये गाड़ियाँ लोकेशन पर रहेंगी, सूचना आते ही 15 मिनट में गाड़ी जो है शिकायतकर्ता के पास पहुंचेगी। जी, ये मुख्य पॉइंट है जी। शुक्रिया जोनी भाई। तो आप देख सकते हैं, अब 100 नंबर डायल करने के बजाय सीधा 112 नंबर डायल करें, इमरजेंसी के लिए जो गाड़ियां हैं तुरंत मौके पर पहुंच जाएगी। और आपको बता दें कि टोहाना के अंदर भी जो 112 नंबर की जो गाड़ियाँ हैं प्रशासन के पास आ चुकी है और सेवाएँ शुरू हो चुकी है। तो इमरजेंसी के लिए अब 100 नंबर की बजाय आप डायल करेंगे 112। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंचे। बने रहें TBN न्यूज़ के साथ।